हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए कि ये कैसे करना है और ये करना ज़रूरी क्यों है। जब हम आईटीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेट के पोर्टल पे होता है, न कि एनसीवीटी के पोर्टल पे। एनसीवीटी के पोर्टल पे डेटा बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है। डेटा ट्रांसफ़र एनसीवीटी पोर्टल पर तब होगा जब हम ये ट्रेनी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर देते हैं। ट्रेनी वेरिफिकेशन करने की लास्ट डेट 21 नवंबर 2022 है। ट्रेनी वेरिफिकेशन न होने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल में एनसीवीटी एमआईएस लिखकर सर्च करेंगे और पहला ऑप्शन चुनेंगे। अब आपके सामने एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम थर्ड ऑप्शन ट्रेनी में ट्रेनी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पेज पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर किसी के पास अपना एडमिशन नंबर नहीं है तो वो अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकता है। अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें। अगर सब कुछ ठीक है तो आप एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर कोई डिटेल्स आपको गलत लगती है, मिस्टेक है उसमें, तो आप डिसएग्री पे करेंगे। जैसे ही एग्री पे करेंगे आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें जो चेक बॉक्स है उसको आप अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद ब्लू टिक ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपके पास जो ओटीपी आया है, ओटीपी लिखकर सबमिट करने पे आपके सामने रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आएगा। इसका मतलब आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है।